गाइस आप लोगों का स्वागत है प्रतिमा ब्लॉग चैनल पे। गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है और दोनों बच्चे उठ गए हैं, ब्रश कर रहे हैं। तुम दोनों के लिए दूध गर्म हो गया था तो गिलास में निकाल दी हूँ थोड़ा ठंडा होने के लिए, और जो दूध बचा है उसका चाय चढ़ा दी हूँ अपने दोनों के लिए। ये भी उठ गए हैं तो दोनों के लिए चाय चढ़ा दी हूँ, तो हमारी चाय भी बन गई है और दूध ही आ गया था तो दूध भी आ गया है, गए हैं लेने तो दूध भी आ गया है। तो इस साइड में रख दी थी दूध भी गर्म होने के लिए, और इधर चाय भी बना रही हूँ, सुबह का दूध रखी हूँ गर्म होने के लिए। तो देखो ये दूध भी गर्म, एक उबाल आ गया था बंद कर दी थी मैं, तो देखो ये दूध आ गया और ये चाय तैयार हो गई हमारी। बच्चों का दूध भी तैयार कर दे रही हूँ क्योंकि ब्रश कर लिए हैं दोनों, बैठे हैं टीवी देख रहे हैं इंतज़ार में, दो बार चक्कर लगाए कि मम्मी दूध लाओ। तो ये डाल दे रही हूँ कॉम्प्लान एक एक चम्मच, और इसके बगैर तो दूध ही नहीं पियेंगे, इसे न डालूँगी तो ऐसे ही दूध नहीं पीते, कुछ ना कुछ डालना पड़ता है जैसे ख़त्म हो जाता है, कभी कभी नहीं रहता तो हल्दी वाला दूध दे देती हूँ, हल्की सी चीनी हल्दी डाल के तो पी लेते हैं अच्छे से। और यहाँ चाय भी हमारी हो गई, इनके लिए दे दी हूँ, अपने लिए छान के रखी हूँ ते बिस्किन नमकीन। उसके बाद नाश्ता बनाई हूँ, पकौड़ी प्याज की पकौड़ी, और शाम को आलू का पराठा बनाई थी तो आलू बची थी तो थोड़ा सा आलू बंडा बना ली हूँ, सबको पसंद है आलू बंडा, बच्चों को भी हमें भी, तो हल्की बरसात भी हो रही इसलिए बनाई हूँ, चटपटा कुछ खाने का मन था तो देखती रहिए। मेरा आलू बंडा बन गया है और हम लोग जा रहे हैं खाने, तो लग गया प्लेट आलू बंडा और पकौड़े का, तो देखिए बनी रही ब्लॉग में। प्याज का पकौड़ा या आलू बंडा? आ जा छोटू, बाहर में जा। अच्छा टेस्टी हमारा हो गया, खाना पीना हो गया, झाड़ू पोछा सब हो गया, सब नहा भी लिए, हाथ से धुली थी कपड़े जो, तो इसमें डाल दी थी सूखने के लिए मशीन में, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, कभी धूप कर लेगा कभी बारिश होने लगेगी अचानक, तो मैं सोचे इसमें सुखा के डालूँगी सही रहेगा, अंदर ही डालना है जीने पे तो यहीं डालूँगी, तो इसलिए मशीन में सुखा ली हूँ। और अजीब सी बारिश भी हो रही है, कभी होगी कभी धूप आ जाएगी, तो इसलिए फिर बाहर डालने का कोई वो नहीं, एक बार डालो फिर उठाओ, तो इससे अच्छा अंदर डाल के छोड़ दो, सुबह तक में सूख जाएंगे। तो यहाँ खाना पीना हो गया, बर्तन धोने का है, और बच्चे टीवी देख रहे हैं और ये सो रहे हैं, और फ़ोन भी बजता रहता है, सोते क्या हैं बीच बीच में उठ जाते हैं, तो यहीं फैला देती हूँ सारे कपड़े सूख जाते हैं। छू कर गई तेरी छुअन, महका हूँ मैं और महका है मन, मारे खुशी के मर जाऊँ ना, पागल बनाए ये इश्क पन, पूरे बदन पे तेरा नाम चल रहा है, देखो ना प्यार 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 लिख रहा, ये वो खुशी है जो ये दिल ही जानता है, सांसों से इन धड़कनों तक, पलकों की झपकी तले यहाँ वहाँ तू, मुझ में रफा है तू, यहाँ वहाँ है तू, कहाँ
ख्वाब है, होठों के किनारे तेरी मेरी बात है। दिल की इस जमीन पे तूने रखे पाओ है, हमको मिल गई जो इश्क के ये छाओ है। पलकों की झपकी तले यहाँ वहाँ है तू, मुझ में रवा है तू, यहाँ वहाँ है तू, कहाँ कहाँ है तू, यहाँ वहाँ। हंसी का बना के आसमां, बने बादलों के लिखे तेरी दास्तां। तू ही तू वहां हो, एक ऐसा हो जहां बीते एक सदी में सौ सदी का कारवां। हो बस एक बार हो, हो बस तेरा प्यार हो, जब जिंदगी मिले कभी तुझे ही जीऊं। पूरे बदन पे तेरा नाम चल रहा है। ये चुन्नी थी तो इसको थोड़ा सा साइड साइड से सिलना था, सिल नहीं पाई हूँ। वही धागा निकला था तो वो फंस रहा था, कहीं ना कहीं फंस जाता था तो उसी को काट रही हूँ और सिलूंगी। सोच रही हूँ मशीन से सिल दूँ मोड़ मोड़ के, हाथ से नहीं, हाथ से टाइम लगेगा तो मशीन से किसी दिन मशीन निकालूंगी तो उसे सिलूंगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, जो भी पूछना है सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये देखिए हमने न्यू बेडशीट ली है, तो कैसी लग रही है मेरी बेडशीट। कैसी लगी बताना। एक ये है, दो लाई हूँ, एक ये है, एक ही डाल दी हूँ बेड पे, तो दो लाई हूँ। देखिए ये वाली बिछाने को ऐसी, जो इसकी डिजाइन भी है ऐसी।